नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी। बात पते की में आपका स्वागत है और मुद्दा है कि किस तरह से उज्ज्वला योजना ने भारत को दुनिया में नंबर टू बना दिया है। किस मामले में? एलपीजी के कनेक्शन और कंजम्पशन के मामले में कैसे ये उपलब्धि हासिल हुई, कितना भारत खपत करता है, पहले कितनी खपत थी, अब कितनी खपत हो गई, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा जी। वर्मा जी बताएंगे कि कैसे ये सब हुआ और कैसे भारत नंबर टू बना। हाँ, ये तिवारी जी, ये डाटा है, इसलिए मुझे देख के इसको बोलना पड़ेगा जी, ताकि कोई फिगर की गलती ना हो जी। पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं एमएम कुट्टी, हाँ, आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने आज बताया कि जो इंडिया है वो एलपीजी में, एलपीजी कनेक्शन में और एलपीजी कंजम्पशन में, कंज्यूमर के मामले में भी और कंजम्पशन के मामले में भी दुनिया का नंबर टू देश बन गया है। नंबर वन है चाइना, जो जिसकी आबादी भी हमसे ज़्यादा है, 139 के आसपास, 139 करोड़, हाँ, 139 के आसपास है। हमारी लास्ट जनगणना में 121 करोड़ थी और इस समय का ये अनुमान है कि अगर आज कोई जनगणना अगर होती तो हमारी आबादी 134 करोड़ के आसपास है। हम चाइना से 5 ही करोड़ के आसपास पीछे हैं। जो तो चाइना की आबादी बड़ी है इसलिए उनकी खपत ज़्यादा है। और जापान पहले नंबर टू हुआ करता था। जो मार्के की बात है, जापान की जो खपत थी वो साल की, जो वो इम्पोर्ट, ये खपत का अनुमान इम्पोर्ट से लगा रहे हैं, ठीक है, एजेंसी है कि ये लोग कितना खरीदते हैं। तो चीन जो है 2017 में उसने खरीदा था 17 मिलियन टन, भारत ने खरीदा 12 मिलियन टन और जापान ने खरीदा 10 मिलियन टन। इससे ठीक एक साल पहले जापान नंबर टू था, इंडिया पीछे था, क्योंकि जापान ने अब एलपीजी वाला एलएनजी पे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बजाय लिक्विड नेचुरल गैस पे, वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे वो उसका फोकस बढ़ रहा है कंजम्पशन में। तो इस वजह से वहाँ एलपीजी की डिमांड में कमी आई है और उस कमी की वजह से इम्पोर्ट में कमी, तो वो जो स्पेस जापान का था वो हमने स्पेस ले लिया। अब इंडिया के अंदर देखिए, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लागू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और माना जाता है कि यूपी के जो असेंबली इलेक्शन थे 2017 के, उसके जो चौकाऊ नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, उसके पीछे एक माना गया कि उज्ज्वला योजना का बड़ा हाथ है। क्योंकि गांव में, गरीबों के घर में, जहां गोइठे पे, जिसको उपला बोलते हैं कुछ इलाकों में, हमारे यहाँ गोइठा भी बोलते हैं, काउडंग अंग्रेजी में बोलते हैं वो, या कोयले पे या लकड़ी पे जो खाना बनाने वाली महिलाएं हैं, उससे उनके हेल्थ पे असर पड़ता था बुरा। दूसरा वातावरण पे असर पड़ता था, धुआं निकलता था। तो मोदी जी ने घर की महिला को टारगेट किया, क्योंकि हर घर में महिला का शासन चलता है आमतौर पे। तो उन्होंने, और कनेक्शन जो इस उज्ज्वला योजना में मिलता है वो महिला के नाम से मिलता है, ये भी एक खास बात है। तो मोदी जी ने ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो ये शुरू किया, उसमें इन्होंने टारगेट किया था कि हम 3 साल में 5 करोड़ कनेक्शन दे देंगे, और इन्होंने 5 करोड़ के बदले 6.5 करोड़ के आसपास 6.31 करोड़ कनेक्शन दे दिए। तो इससे जो देश में धर्मेंद्र प्रधान जी का दावा है, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, कि इंडिया में अब जो एलपीजी कवरेज है वो 90% हो चुका है, ठीक है। तो अब, और मोदी ने अभी जो बजट पेश किया है, इसमें ये उज्ज्वला योजना में 2 करोड़ और कनेक्शन देने का, मतलब 8 करोड़ मार्च 2020 तक की कनेक्शन की संख्या 8 करोड़ रहेंगे। तो अभी ये जो कंजम्पशन का जो रेट बढ़ रहा है, जो कंज्यूमर का रेट बढ़ रहा है, ये सब ऊपर जाएगा और हो सकता है इंडिया चाइना को पछाड़ भी दे, क्योंकि 2 करोड़ नए कनेक्शन आएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। अब इस चीज़ को आप बताएं, लेकिन एक बात और भी तो आ रही है कि आपने कनेक्शन दे दिया, मतलब बीच में ऐसी रिपोर्ट आई थी, और पहला सिलेंडर भी दे दिया कनेक्शन के साथ, लेकिन ये ऐसी रिपोर्ट आई कि जो आपने 6 करोड़ के आसपास कनेक्शन दिए उसमें से तमाम लोग दूसरा तीसरा सिलेंडर भरवाने के लिए नहीं आए। नहीं, उसकी उसमें जो वजह है वो ये, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो सरकार है सब्सिडी जो दे रही है वो सिलेंडर पे दे रही है, लेकिन सिलेंडर के मार्केट प्राइस पे नहीं दे रही। वो अब बेनिफिशियरी जो हैं उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो स्कीम मोदी जी ने लाया उसके जरिए वो बेनिफिशियरी के खाते में सीधे पैसा चला जाता है। अब सरकार का ही ये रिपोर्ट है कि उन्होंने, मोदी जी की सरकार ने डीबीटी से एलपीजी सब्सिडी में 96,625 करोड़ रुपये दिए हैं। जिनको इस उज्ज्वला योजना में भी कनेक्शन मिला है उनको भी डीबीटी से ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हो सकता है कि मोदी जी ने एक प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, कि गांव में, गरीबों के घर में, या जिनके पास भी लकड़ी कोयले की चूल्हे पे काम करने और खाना बनाने की मजबूरी है,
उनको वो कनेक्शन दें। अभी एक सर्वे भी आया है, दो दिन पहले एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है ये कि जो उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिए गए उसके बाद वो महिलाओं से बातचीत किया गया है उस सर्वे में देश के हर भाग में, तो उसमें से एक इनपुट ये निकल करके आया कि महिलाओं ने कहा कि धुआं और बीमारी वगैरह से तो जो हमें मुक्ति मिली ही हमारा समय काफ़ी बच रहा है, समय बच रहा है। तो मोदी जी ने अगर आप देखिए, एक राजनेता चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, उसकी कोशिश ये होती है कि वो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए बनाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करे जिसका फ़ायदा भी जनता को मिले और उस जनता से वापस में उसको 5 साल बाद सर्टिफिकेट मिले। अब एक सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में माना गया कि नोटबंदी का फैसला उनके फेवर में गया, उज्ज्वला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, कि क्या मतलब ये जो बीजेपी के अंदर की रणनीति बनती है उसमें भी ये बात आती है कि जितने लोगों को हमने बेनिफिशियरी बनाया, चाहे उज्ज्वला में बनाया, चाहे जो अदर्स स्कीम है, मुद्रा योजना अलग है उसमें भी इन्होंने लोन दिया है, तो इन लोग मान के चलते हैं कि जो बेनिफिशियरी होंगे वो हमारे प्रति सहानुभूति रखेंगे, तो इसका पोलिटिकल माइलेज कितना मिलेगा? मिल ही रहा है। 2017 में अगर आप यूपी चुनाव के नतीजों को देखें तो आप अगर उसमें नोटबंदी का इफेक्ट खोज रहे हैं, तो चूंकि नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी और ये उज्ज्वला योजना भी 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई और यूपी का विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च ऐसे माना गया, तो नोटबंदी का जो सरकार का दावा था कि इससे काला धन खत्म होगा, इससे आतंकियों की फंडिंग बंद होगी, इससे नक्सलियों की फंडिंग बंद होगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, तो इन दावों की पोल खुलने में कि वो सच में कामयाब हुए या नहीं हुए, क्योंकि नोटबंदी के बाद जब असली बात आखिरी में आई और इसके आने में काफ़ी वक्त लगा, तो पता चला कि जितने नोट सर्कुलेशन में थे 500 और 1000 वाले वो सब तो ऑलमोस्ट आ ही गए लौट के, तो भाई काला धन इसका मतलब था नहीं, या तो काला धन को फिर सफेद कर लिया गया या तो सफ़ेद करने का रास्ता आपने दिया, अगर वो काला धन था तो था कहाँ, वो 1000 और 500 के करेंसी के शक्ल में था, आपके अनुमान सरकार का अनुमान यही था कि वो 1000 500 की करेंसी में है, अब उस करेंसी के सारे नोट तो वापस आ गए सिस्टम में, बैंक में पैसा जमा करने की एक प्रक्रिया थी, नियम था, उस नियम का पालन करते हुए पैसे जमा हुए। तो यूपी का चुनाव हो सकता है आप नोटबंदी के बजाय मतलब नोटबंदी का एक्चुअल क्या रिजल्ट निकला ये उससे पहले हो गया। नोटबंदी को लेके जब वो बैलून फटा कि नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ या फायदा हुआ, काला धन खत्म हुआ या नहीं हुआ, आतंकियों की फंडिंग रुकी या नहीं रुकी, या चोर लोग भ्रष्ट लोग का पैसा जब्त हुआ या नहीं हुआ, मैं गांव में लोग इसको इस तरह से देख रहे थे कि जो अमीर थे उनका पैसा लूट गया, जबकि पैसा किसी का लूटा नहीं। गांव में ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा था ना कि अमीरों का पैसा चला गया। मैं लोग अपने सुख से नहीं दूसरे के दुख से ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं, पड़ोसी के घर में लूट हो जाए तो लोग को लगता है चलो। खैर अब लौट के आते हैं इस पे, तो उज्ज्वला का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। हाँ, आप देखिए ये जब मोदी जी की सरकार आई थी तो ये सरकारी रिपोर्ट है कि 2014-15 में जो हमारे देश में LPG के कनेक्शन थे, रसोई गैस के कनेक्शन, वो 14 करोड़ 80 लाख थे, मतलब करीब करीब 15 करोड़ कनेक्शन हमारे पास थे। उज्ज्वला के बाद ये 2018-19 में हमारा कनेक्शन जो बढ़ के हो गया है 22.4 करोड़, मतलब लगभग 22.5 करोड़ के आसपास। तो ये जो आप अनुमान इसको देख लीजिए कि ये 7.5 करोड़ के आसपास बढ़ गया। तो 6.5 करोड़ तो ये इन्होंने LPG उज्ज्वला योजना में दी, 1 करोड़ वैसे अदरवाइज भी कनेक्शन बढ़ा। तो कनेक्शन जो बढ़ने की रफ्तार वो 15% पर ईयर है पिछले 3 साल में, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की जो एक इसमें रिमार्केबल बात यह है, जो जिसका इशारा आप कर रहे थे कि लोग एक सिलेंडर तो भराए, दूसरी बार भराए, तीसरी बार नहीं भराए, वो नहीं भराने की वजह क्या है, आर्थिक है, कोई और वजह है क्या, उसको हम इसके बाद बात करते हैं, लेकिन कंजम्पशन जो है वो सिर्फ 8.4% की सहारा, यही वे क्वेश्चन उठता है। अब ये 8.4% जो कंजम्पशन बढ़ा, इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि जो LPG सब्सिडाइज तरीके से खरीदने के बाद भी एक गरीब को, एक छोटी कमाई वाले लोगों को, जिनके लिए महीने में गरीबी रेखा के बिल्कुल आसपास टिके हुए हैं, सरकार की नज़र में गरीब भी नहीं है या गरीब हैं तो बिल्कुल घर चलाने लायक हालत में, उनको लगता है कि ये 500 रुपये का या 400 रुपये का सिलेंडर भरा के हम खाना एक महीने बनाए, इससे अच्छा तो हमारे जंगल में मुफ्त में लकड़ी मिल रही है, बस निकलना है एक बोरा लेके या कोई भी सामान जिसमें वो लकड़ी उठा के लाना और मुफ्त में खाना बना लेना है, तो उनके लिए अपनी स्वास्थ्य और उन चीज़ों से ज़्यादा वो धुएँ से उनको क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, क्या खराबी होगी,
वो नज़रअंदाज करके वो उनके कई लोगों को ये लगता होगा कि चलो भाई लकड़ी पे ही खाना बना रहे थे, ये सस्ता है, सस्ता महंगा का। और हो सकता है कई बार जो जंगल के आसपास रहते हैं, आप गांव में जाएंगे देखेंगे तो एनएच के किनारे जहां सरकार की सरकारी ज़मीन पे सरकार ने पेड़ लगा रखे हैं, उन पेड़ों से जो रोज़ सूख के पत्तियां गिरती हैं, उससे काम चल जाता है। वो लोग गांव के आसपास के लोग उसको जमा करके ले जाते हैं शाम में जलाने के लिए, जलावन के इस्तेमाल में। तो एक वजह ये हो सकती है कि वो कंजम्पशन रिफिल लोग नहीं करा पा रहे, इसलिए कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है 1.4%, लेकिन कनेक्शन बढ़ा है 15%। और अगर अब 2020 तक ये 2 करोड़ और कनेक्शन देने जा रहे हैं तो ये रफ्तार कमने की तो कोई बात नहीं, अगले साल भी ये इसी रफ्तार से बढ़ेगा और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और सरकार का अनुमान है कि हमारा जो इस समय खपत है इंडिया में 22.5 मिलियन टन खपत है LPG का, जो 2025 तक 30.3 मिलियन टन हो जाएगा और 2040 तक 40.6 मिलियन टन। मतलब ये ठीक ठाक रफ्तार में बढ़ने वाली, और उसकी वजह है कि आबादी भी हमारी बढ़ने वाली है। ठीक बात है, आबादी के साथ ये बढ़ेगा। और जो भारत, चीन और जापान जो नंबर 1, 2 और 3 हैं, मैं एशिया एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है LPG का पूरी देश दुनिया में, अगर आप उसको महाद्वीप के हिसाब से देखें, उस महाद्वीप के अंदर मतलब पूरे दुनिया के अंदर ही एशिया के ही ये 3 देश भारत, चीन और जापान, ये मिलकर पूरे दुनिया के इम्पोर्ट का 45% LPG खरीदते हैं। तो LPG की जो ये योजना गांव-गांव में मोदी जी ने पहुंचाई और लोगों के घर से धुआं को ख़त्म करने की कोशिश की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, सियासी लाभ भी मिलेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि उज्ज्वला का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मिल भी चुका है। अभी आगे देखते हैं, भारत चूँकि आबादी बढ़ रही है और चाइना और भारत की आबादी में केवल 5 करोड़ का अंतर बचा है, तो ये भी हो सकता है कि भारत में LPG की खपत बढ़ते बढ़ते हम किसी दिन नंबर 1 भी हो जाएं। बहुत सारे देश बहुत दूसरी चीज़ों पे भी शिफ्ट हो रहा है, भारत भी दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है और इसका कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव ज़रूर दें।